प्रणव नायक है और मैं मर्चेंट नेवी में काम करता हूँ। मेरा सवाल ये है कि अकॉर्डिंग टू कुरान ये कहा जाता है कि जब कयामत का दिन आएगा तो उस वक्त अल्लाह जब सबको फिर से उठाएंगे तो कहा जाएगा कि अपनी कब्रों से उठो, तो हम हिंदुओं का क्या होगा क्योंकि हमारी तो कोई कब्र नहीं होती। भाई साहब का सवाल है कि वो कहते हैं कि कयामत के दिन जब अल्लाह ताला वापस से हमें दूसरी ज़िंदगी देंगे तो कहेंगे अपने कब्रों से उठो। हिंदू भाई साहब पूछे कि हिंदू लोग तो कब्र में दफनाए नहीं जाते, हिंदू बच्चे दफनाए जाते ना, हिंदू बच्चे हिंदू मज़हब में छोटा बच्चा है उसको जलाया नहीं जाता, उसको दफनाया जाता है। फिर भी कई मुसलमान हैं जो डूब के मरते हैं, जो जल के मरते हैं, उनको भी दफनाया नहीं जाता है, जिनकी हमें मिलती नहीं। ये जब अल्लाह ताला कहेंगे कि फिर से हम जिंदगी देंगे, ज़रूर नहीं कि आप कब्र में से ले आ जाएंगे, जो भी इंसान मर चुका है उसके नई जिंदगी दी जाएंगे। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह उसमें जान डालेंगे, फिर मौत देंगे, फिर से जान डालेंगे। तो अल्लाह जान डालेंगे, चाहे वो कब्र में है, चाहे जलाया गया है, चाहे डूब गया है, जो भी हालत में है अल्लाह उस इंसान में फिर से जान डालेंगे। और अल्लाह ताला को जान डालना बहुत आसान है, चाहे आप दफनाए गए हैं या चाहे जला दिए गए। अल्लाह ताला फरमाते जब गैर मुस्लिम के एतराफ़ करते अल्लाह से और अल्लाह से पूछते हैं कि जब आप दफनाए जाएंगे और क़यामत के रोज़ जब इंसान उठाए जाएंगे तो अल्लाह ताला उनको हड्डियाँ को कैसे जोड़ेगा, जैसे आप पूछ रहे ना, अल्लाह ताला जो कब्र में उनको उठाएंगे, हम कब्र तो नहीं गए। तो लोग पूछते हैं, कुरान मजीद में इसका जिक्र है, सूरह क़याम में सूरह नंबर 75 आयत नंबर 3-4 में कि अल्लाह ताला हड्डियाँ को कैसे जोड़ेगा। तो अल्लाह ताला फरमाते अल्लाह हड्डियाँ को ही नहीं जोड़ सकता है, आपके उंगलियों के पोर पोर को जोड़ सकता है, उंगलियों के पोर पोर। आप सोचते हो अल्लाह ताला क्यों कहता है क्या उंगलियों के पोर पोर को जोड़ सकता है। आज की साइंस ये कहती है, सर फ्रांसिस गोल्टिन एक साइंटिस्ट है जो सन 1880 में एक डिस्कवरी किए कि फिंगरप्रिंटिंग मेथड के दो इंसान करोड़ों लोगों में भी उनके फिंगरप्रिंट यकसा नहीं हो सकते। तो अल्लाह ताला फरमाते हड्डियों को तो छोड़ो, मैं आपके उंगलियों के पोर पोर को इकट्ठा कर सकता हूँ और हूबहू वैसे पैदा कर सकता हूँ। तो अल्लाह के लिए फिर से जान डालना बहुत आसान है, चाहे वो इंसान दफनाया गया है या जलाया दिया गया है या डूब के मरा है। अल्लाह को फिर से जान डालने में, चाहे वो मुसलमान मरा या हिंदू मरा या ईसाई मरा, अल्लाह को जान डालने में बहुत आसान है, कुन फैकुन। और फिर से हमें नई ज़िंदगी दी जाएंगी और फिर हिसाब किताब किया जाएगा। और हिसाब किताब में अगर आप अल्लाह के अहकामात पे अमल किए तो इंशाअल्लाह आप जन्नत में जाएंगे, इस दुनिया के इम्तिहान में सफलता पाएंगे। लेकिन अगर उनके अहकामात पे आपने नहीं चले, उनके मुताबिक नई ज़िंदगी बसर करे, तो आप इस ज़िंदगी में सफलता नहीं पाएंगे। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन।